नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस का साथ उसके दिग्गज नेता भी छोड़ रहे हैं, उससे एक सवाल उठ रहा है कि क्या संसद में 2024 के चुनाव के बाद वैकुंठ विपक्ष के हालात उपस्थित हो सकते हैं। ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि जब प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को छोड़कर नेता इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, कोई भाजपा का दामन थाम रहा है तो कोई किसी अन्य पार्टी का, तो स्थिति साफ है कि वैकुंठ विपक्ष क्रिएट होने की रही सही कसर इस चुनाव में पूरी हो जाएगी। क्लिक इंडिया के CEO समीर कुमार राजनीति के गिरते स्तर से चिंतित हैं, और इसे ही वे वैकुंठ विपक्ष के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं। वे कहते हैं कि राजनीति में सूचना और सुचिता का कोई मतलब नहीं रह गया है। कौन नेता कब क्या बोल दे, किसे क्या कह दे, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। उनका कहना है कि राजनीति में जब तक नेता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, राजनीति में अपने पदार्पण को जब तक देश और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं बनाएंगे, तब तक राजनीति में नीति और नैतिकता का कोई मतलब नहीं है। और यही राजनीति के गिरते स्तर का सबसे बड़ा कारण है, जिसने जनता के बीच नेताओं के इकबाल को लगभग ख़त्म कर दिया है। और यही कारण है कि जनता के पास गिने चुने नेताओं पार्टियों का ऑप्शन है, और वह उन्हें ही वोट देकर लोकतंत्र के प्रति अपने फर्ज की इतिश्री करके घर लौट आती है, जिससे वैकुंठ विपक्ष की स्थिति क्रिएट हो रही है। कांग्रेस अपनी नीतियों, पार्टी में नेताओं की अनदेखी, जनता के मिजाज को नहीं समझ पाने के कारण प्रमुख विपक्षी पार्टी से वैकुंठ विपक्ष की तरफ तेजी से बढ़ चली है। क्योंकि कांग्रेस के 81 साल के वृद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो वीडियो लीक हुआ है, उससे साफ पता चल रहा है कि खड़गे को पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। वीडियो की बातों को ध्यान से सुने तो साफ पता चलता है कि पार्टी में गांधी परिवार ही सर्वे सर्वा है। उनके सलाहकारों के अलावा बाकी सब नेता एक ही कतार में खड़े हैं। पहले देखिए ये वीडियो, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए दिख रहे हैं कि पहले ही व्यवस्था करना आप लोग। हजारों लोगों की भीड़ थी, 400-500 लोगों में धकेला धकेली, अनुशासन नहीं है, मेरे को ही धकेल रहे थे इधर से उधर, बात करते हैं बड़े बड़े, ऐसा करो वैसा करो, ये दूसरी बार हो रहा है। पहले ही व्यवस्था करना आप लोग, हजारों लोगों की भीड़ थी, 400-500 लोगों में ढकला ढकली और डिसिप्लिन नहीं, मेरे को ही ढकल रहे, बात करते बड़े बड़े, उनका प्रशंसा करो वो करो क्या करो, ये दूसरी बार हो रहा है, वहाँ पर लास्ट टाइम बना। इस वीडियो की पुष्टि क्लिक इंडिया नहीं करता, लेकिन वीडियो में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किसी कार्यक्रम को लेकर नाराज दिख रहे हैं। 81 साल के अब तक के सबसे बुजुर्ग कांग्रेस अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, लेकिन इस उम्र में और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इतने बड़े पद पर बैठे होने के बाद भी जिस तरह से उन्हें ये अफसोस जताना पड़ रहा है, और वो भी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए, वो यह बताने के लिए काफ़ी है कि पार्टी में उनकी हैसियत क्या है। अगर ये बातें गलत हैं तो क्या खड़गे के पास इतना आत्मविश्वास है कि वे कांग्रेस का मालिकाना हक खुद के अंदर फील कर सकें? तो क्या खड़गे कांग्रेस के सबसे बुरे समय में बना दिए गए मोहरा की तरह हैं? और अगर ये मान भी लिया जाए कि खड़गे के चेहरे पर कांग्रेस को दलित वोट मिल भी जाए, 2024 में कुछ कांग्रेसी सांसद चुनकर लोकसभा में पहुँच भी जाएँ, तो आपको लगता है कि कांग्रेस की स्थिति सुधरने पर खड़गे के हाथ में कांग्रेस की बागडोर बनी रहेगी? क्या खड़गे की उम्र की दुहाई नहीं दी जाएगी, या किसी और बहाने से उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा? क्या इस बात में दम नहीं है कि कांग्रेस के बुरे समय में खड़गे जैसे अनुभवी नेता की रणनीति से ज़्यादा इस रणनीति पर ध्यान दिया गया कि इस उम्र में अगर वो पार्टी को वार भी देते हैं तो इसके बदले उन्हें पार्टी या सरकार में कोई भी पद देना पड़ेगा? जिस उम्र में सारी पार्टियाँ अपने नेताओं को रिटायर कर दे रही हैं, उस उम्र में खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की रणनीति समझी जा सकती है। तो क्या सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे की तर्ज पर खड़गे को यूज कर रही है कांग्रेस? पार्टी हारती है तो तोहमत लेकर जाएंगे, और जीतती है तो क्या लेकर जाएंगे? क्या इस सोच के साथ कांग्रेस चल रही है खड़गे को लेकर? कांग्रेस का दलित चेहरा ही थी मीरा कुमार, जो सासाराम लोकसभा सीट से खड़ी होती थी। कांग्रेस सहित पूरे देश को पता था कि भाजपा के उम्मीदवार के सामने मीरा कुमार की हार तय थी, लेकिन कांग्रेस ने मीरा कुमार को राष्ट्रपति उम्मीदवार बना दिया। जबकि विपक्षी एकता कांग्रेस से दूर दूर थी, फलतः मीरा कुमार हार गई और भाजपा समर्थित उम्मीदवार रामनाथ कोविंद जीतकर राष्ट्रपति बन गए। या फिर ये समझा जाए कि दलित वोटों के लिए खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का सिर्फ चेहरा बनाए, और जो इज्जत कांग्रेस अध्यक्ष को मिलनी चाहिए, वो इज्जत जिसे मिलनी चाहिए वो ले रहा है। क्या सोनिया या राहुल गांधी
जब कांग्रेस अध्यक्ष थे उस समय भी लोग उनसे धक्का मुक्की करते थे? अगर नहीं करते थे तो क्यों? क्या इसलिए कि वे गांधी परिवार से थे, और क्या इसलिए खड़गे के साथ धक्का मुक्की हुई कि वे गैर गांधी परिवार से हैं? तो जिस दलित वोटों के लिए खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है, उस दलित वोट के नज़रिए से भी देखा जाए तो कांग्रेस में दलित सम्मान कहाँ बचा है? इन सब सवालों में सबसे बड़ा सवाल क्या ये है कि गांधी परिवार कांग्रेस पर से मालिकाना हक नहीं छोड़ना चाहता? कांग्रेस वोटों को साधने के लिए वरिष्ठ नेताओं को पद पर तो बैठा दे रही है, लेकिन उस पद के अधिकार और पद की प्रतिष्ठा गांधी परिवार के पास ही रहता है, और इन बातों पर विश्वास क्यों न किया जाए? मनमोहन सिंह का कार्यकाल भूला नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री तो वे थे, दो दो बार देश के पीएम रहे, लेकिन पूरे दशक भर जो हुआ, जिस तरह से देश का शासन चला, जिस तरह से घोटाले हुए, उसे देखकर नहीं लगा कि मनमोहन सिंह जैसे महान व्यक्तित्व के हाथों में देश की सत्ता का पावर था? और चूंकि वे कुछ कर ही नहीं सकते थे, विपक्ष लगातार आरोप लगाता ही रहा कि असली ताकत सोनिया या राहुल के हाथों में थी, तो मनमोहन सिंह रोबोट बनकर रह गए। लोगों ने उनके चलने फिरने, बातें करने, हाव भाव और यहाँ तक कि उनके डिसीजन को भी रोबोटिक कह दिया। तो क्या कांग्रेस को वैकुम विपक्ष की तरफ ढकेलने के लिए सोनिया और राहुल जिम्मेदार हैं? क्या उनकी जवाबदेही सबसे ज़्यादा है? क्योंकि तय मानिए, न खड़गे के अंदर अब तक कॉन्फिडेंस दिखा है और न ही मनमोहन सिंह के अंदर कभी दिखा था, और यही कारण है कि एक समय की मजबूत कांग्रेस आज वैकुम विपक्ष की तरफ बढ़ चली है। बात खड़गे के वीडियो की नहीं है कि यहीं रुक जाएगी, बात कांग्रेस के अन्य अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं की भी है जो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद और अशोक चव्हाण जैसे कांग्रेस के महारथियों ने पार्टी से किनारा किया, वो तो छोड़िए, सिर्फ दो महीने में ही कांग्रेस के चार दिग्गजों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इन दिग्गजों में हैं संजय निरुपम, विजेंद्र सिंह, नवीन जिंदल, सावित्री जिंदल। संजय निरुपम की ही बात कर लें तो पूर्व शिव सैनिक निरुपम ने 2005 में शिवसेना छोड़ दी थी, और उन्होंने उत्तर भारतीय फेरी वालों का मुद्दा उठाया था और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। तब से लेकर आज तक वे कांग्रेस में ही थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है, अगर वे ये कहते हैं कि इसकी विचारधारा दिशाहीन है, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस किस तरह से वैकुम विपक्ष की तरफ तेजी से बढ़ रही है। संजय निरुपम कहते हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी में एक पावर सेंटर हुआ करता था, लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर हैं, और 5ों की अपनी लॉबी है जो आपस में टकराती रहती है। इन 5ों सेंटर में सबसे पहले सोनिया गांधी हैं, दूसरे सेंटर में राहुल गांधी, तीसरे में प्रियंका गांधी, चौथे में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और आखिरी में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं। यह सब अपने प्रकार से राजनीति कर रहे हैं। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और 5ों के अपने कॉकस है, 5ों की अपनी लॉबी है, और 5ों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है, और उसमें बहुत सारे लोग हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं, और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी भी एक अपनी, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए, और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई, वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता है। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है। निरुपम की इन बातों से कांग्रेस को सीखना चाहिए कि आखिर ऐसी कोई बात है तो इसे कैसे सुधारा जाए, और पार्टी को लेकर ऐसी क्या रणनीति बनाई जाए कि लोकसभा चुनाव में पार्टी उभर सके। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। निरुपम ने पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कल रात मेरा इस्तीफा पत्र मिलने के तुरंत बाद उन्होंने मेरा निष्कासन जारी करने का फैसला किया। ऐसी तत्परता देखकर अच्छा लगा। इससे पहले खड़गे को लिखे पत्र में निरुपम ने कहा था
कि मैंने आखिरकार आपकी बहुप्रतीक्षित इच्छा को पूरा करने का फैसला किया है। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। संजय निरुपम से हटकर अब बात करें युवा दिग्गज नेता व मुक्केबाज विजेंद्र सिंह की, तो विजेंद्र ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। विजेंद्र की युवाओं में अच्छी पैठ है और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। विजेंद्र ने भाजपा में शामिल होकर जितना भाजपा को मजबूत किया उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस को कमज़ोर किया है। दूसरी तरफ उनके भाजपा में शामिल होने से भाजपा से नाराज जाट वोटर और खिलाड़ियों को भी आसानी से साधा जा सकता है। भाजपा विजेंद्र के जरिए न सिर्फ हरियाणा के बल्कि राजस्थान और पश्चिमी यूपी के जाट वोटरों को भी साधने की कोशिश करेगी। हरियाणा में जाट वोटर कई क्षेत्रों में निर्णायक स्थिति में है। पार्टी जाट वोटरों को हर हाल में अपने पक्ष में करना चाहती है। इसके लिए पहले उसने सीएम चेहरा बदला और अब विजेंद्र सिंह को पार्टी में शामिल किया है। वहीं विजेंद्र सिंह के सहारे युवाओं को भी पार्टी अपनी ओर आकर्षित करेगी। हरियाणा में 18 से 22 साल के करीब 23 लाख वोटर हैं, जिसका असर विजेंद्र के फैसले पर जरूर पड़ेगा। विजेंद्र सिंह के अलावे कांग्रेस के दिग्गज नेता नवीन जिंदल भी कांग्रेस को बाय बाय कह चुके हैं और भाजपा में शामिल हो गए हैं। नवीन 2004 से 2014 तक कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट से संसद भवन पहुंचे थे और 2014 में वह लोकसभा चुनाव हार गए थे। कांग्रेस को त्यागने का काम यहीं नहीं रुका, बल्कि नवीन जिंदल के कांग्रेस में शामिल होने के कुछ ही दिन बाद हरियाणा के पूर्व मंत्री व नवीन की मां सावित्री जिंदल भी भाजपा में शामिल हो गई। सावित्री ने कांग्रेस विधायक के तौर पर हिसार की जनता का 10 साल तक प्रतिनिधित्व किया था। इससे पहले भाजपा ने पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा को फरवरी में भाजपा में शामिल कर पार्टी में बड़ी सेंध लगाई थी। तो जब चुनाव से एक दो महीने पहले ये हाल था, तो अब तो चुनाव में 15 दिन रह गए हैं, तो तय मानिए कांग्रेस को अलविदा कहने वाले नेताओं की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। अगर कांग्रेस के कुछ नेताओं से बीजेपी की बात चल रही हो या कुछ कांग्रेसी नेता बीजेपी से बात करने के अंतिम चरण में हों, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ज़रा सोचिए कि विपक्ष कहाँ खड़ा है, और जहाँ खड़ा है उसके बाद अगर एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो 2024 के बाद विपक्ष खड़ा होने के लायक रह जाएगा। उसके बाद वो चाहे ईवीएम पर आरोप लगाए या चुनाव आयोग पर, वैकुंभ विपक्ष की स्थिति क्रिएट होने से नहीं रोका जा सकता। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।